IVF है क्या? क्या ये सेफ है? क्या IVF से प्रेगनेंसीज हो सकती हैं? किस उम्र तक हम IVF करवा सकते हैं? IVF बेबीज़ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस तो नहीं होते? ऐसे बहुत से क्वेरीज हमारे पास में आते हैं, आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। मैं डॉक्टर सोनाली गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट एंड IVF स्पेशलिस्ट एट ब्लिस IVF एंड गाइनी केयर एट ग्रेटर नोएडा, प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 20 ईयर्स। जब हम IVF की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में बहुत भ्रांतियाँ हैं सोसाइटी में। क्या सही है, क्या गलत है, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि नेचुरली बच्चे कैसे होते हैं। नेचुरल कंसेप्शन में अगर हस्बैंड के सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। हर स्त्री में एक यूट्रस, दो ओवरीज और दो ट्यूब्स होती हैं, और अगर एक हर महीने मासिक नॉर्मल से रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आती है तो उसके मध्य के टाइम पे तकरीबन 14 से 15 दिन के आसपास में अंडा रिलीज होता है, जिसको हम ओवुलेशन कहते हैं। अंडा रिलीज होकर ट्यूब के स्फिम्ब्रिया के थ्रू अंदर कैविटी में आता है। ट्यूब के अंदर जब हस्बैंड वाइफ मिलते हैं तो स्पर्म पूरा रास्ता ट्रैवल करके यहाँ पर इस ट्यूब, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, अंडा और स्पर्म का मिलन होता है, जिसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। उससे हमारा एम्ब्रियो बन जाता है। वो एम्ब्रियो तकरीबन 3 से 5 दिन के अंदर ट्रैवल करके यूट्राइन कैविटी में, जिसमें एंड्रोमेट्रियम की लाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है। उसके 14 डेज में हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। दिस इज़ अ नॉर्मल कंसेप्शन। अब इस प्रक्रिया में कहीं भी कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो कंसेप्शन होने में डिफ़िकल्टी हो जाती है, या कपल कंसीव करने के लिए हमारे पास मदद के लिए आते हैं। हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, आइए जानते हैं हम IVF प्रक्रिया में क्या करते हैं। IVF में ये जो एक जब हमको IVF करना होता है तो क्योंकि ये प्रोसीजर लेबोरेटरी में होता है, हम स्त्री में से अंडे रिट्रीव कर लेते हैं, पुरुष के स्पर्म के साथ में एम्ब्रियोज बना के D3 या D5 एम्ब्रियोज को हम यूट्राइन कैविटी में ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद में बाकी प्रोसेस जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है फॉलो किया जाता है। अब IVF के दौरान क्योंकि ये सारा प्रोसेस लेबोरेटरी में होता है तो हमको थोड़ा नंबर ऑफ एग्स ज़्यादा चाहिए होते हैं। आइडियली हम लोग 8 to 10 ओसाइट्स को रिट्रीव करते हैं, जिसके लिए हम उनको पहले कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं, जिससे हमारे 10 के आसपास 10 to 12 हमको अंडे रिट्रीव हो सके। उनको हम लोग पेट्री डिश में हस्बैंड के सीमन से फर्टिलाइज करते हैं और 5 डेज़ के अंदर हम इसको अंदर यूट्राइन कैविटी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अभी हमने क्या किया है, जो नेचुरल इंटरकोर्स के द्वारा फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है उसी प्रक्रिया को हमने आउटसाइड लेबोरेटरी में करके D3 या D5 में एम्ब्रियोज बना के उनको यूट्राइन कैविटी में ट्रांसफ़र कर दिया है। आफ्टर ट्रांसफ़र जैसे मैंने बताया 14 डेज के आसपास में आपको टेस्ट पॉजिटिव आ जाना चाहिए। वंस द प्रेगनेंसी टेस्ट वाज पॉजिटिव, उसके बाद में ये बच्चा जो हमने ट्रांसफ़र किया था वो गर्भ के अंदर ही नेचुरल प्रक्रिया द्वारा बढ़ना शुरू हो जाता है और उसका 9 महीने के अंदर पूरा विकास जैसे नेचुरल तरीके से होते होके नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो नेचुरल फर्टिलाइजेशन जो ट्यूब में होता है जहाँ पे स्पर्म और ओसाइट का मिलन होता है, ये काम हमने कृत्रिम लेबोरेटरी में करके वहाँ एम्ब्रियोज बना के यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांट कर दिया। कभी कभी पेशेंट हमसे पूछते हैं क्या वाकई IVF में प्रेगनेंसी ठहर सकती है? जी, उसी के लिए तो हम IVF करते हैं। जिन कपल्स की प्रेगनेंसी नेचुरल प्रोसेस से नहीं ठहर सकती है उन्हीं को असिस्ट करने के लिए हम लोग IVF का सहारा लेते हैं या मदद लेते हैं। अब आता है प्रश्न, IVF का सक्सेस रेट क्या है? अगर हम लोग सक्सेस रेट की बात करें तो बहुत फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आप अगर कुछ प्रॉब्लम है कंसीव करने में, जितना जल्दी और जितना टाइम से आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं उनके सक्सेस रेट उतने ही बढ़ जाते हैं। इन एन आइडियल सिचुएशन आई वुड से अगर कपल के पास में बहुत लेट नहीं हुआ है, उसकी ओवरीज में अंडे हैं या स्पर्म फैक्टर्स भी एक एवरेज लेवल तक है, द सक्सेस रेट इज़ टू द ट्यून ऑफ 60 to 70%। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, इन जनरल IVF के सक्सेस रेट को 35 to 40% ही बताया जाता है। हाँ, एक और क्वेश्चन था, अक्सर पेशेंट पूछते हैं IVF के दौरान अगर ट्रीटमेंट कराया जाए तो अक्सर ट्विन्स होते हैं, क्या ये ज़रूरी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आमतौर पर देखा गया है नेचुरल कंसेप्शन में अगर 6% चांसेस ऑफ ट्विन प्रेगनेंसीज होते हैं, IVF प्रेगनेंसीज में थोड़ा ज़्यादा तकरीबन 25 से 30% चांसेस होते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसीज हो जाएं। हर केस में नहीं होता है। कुछ पेशेंट हमारे पास में आते हैं, हमको जुड़वा बच्चे ही चाहिए इसलिए हम IVF करवा रहे हैं, ये कोई कंफर्म नहीं होता। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, IVF के ट्रीटमेंट के दौरान 1 या 2 एम्ब्रियोज उनके अंदर इम्प्लांट कर देते हैं।
अगर उनकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग रिसेप्टिव होती है तो कई बार दोनों ही बच्चे इम्प्लांट हो जाते हैं। ऐसे केसेस में ट्विन प्रेगनेंसीज हो जाते हैं, अगर 3 एम्ब्रियोज डाले जाते हैं तो ट्रिपलेट हो जाते हैं। पर ये चांस की बात है, इसमें कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, कोई कन्फर्मेशन नहीं, कोई गारंटी नहीं है। एक जो बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है, वो अक्सर स्त्रियाँ मुझसे पूछती हैं, क्या IVF प्रक्रिया बहुत पेनफुल है, क्या इसके लिए बहुत सारे इंजेक्शन लगाए जाते हैं। हमने जब IVF ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था तब उस टाइम डेफिनेटली थोड़े इंजेक्शंस की मात्रा भी ज़्यादा थी। अब जब हमारी लैबोरेटरी बहुत इक्विप्ड हो गई है, हमारे पास स्किल सेट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छे और बहुत क्वालिटी के एक मीडिया हमारे पास अवेलेबल है, हमको बहुत ज़्यादा ओसाइट्स की ज़रूरत नहीं होती है टू गेट अ गुड एम्ब्रियोज। एंड सेकेंडली, स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल भी बहुत ज़्यादा रिफाइंड हो गए हैं विद एडवेंट ऑफ एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल। बहुत ज़्यादा नहीं इंजेक्शंस की हमको ज़रूरत नहीं होती है, हार्डली 8 to 10 days के इंजेक्शंस में हमको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ओसाइट्स मिल जाते हैं, और पेन तो IVF में कभी नहीं होने देते। आपका रिट्रीवल भी किया जाएगा तो अंडर एनेस्थीसिया किया जाएगा, जिसमें आपको बिल्कुल पता नहीं पड़ेगा। एंड व्हेन द एम्ब्रियो इज बीन ट्रांसफर, इट्स एब्सोल्युटली डन एज अ पेनलेस प्रोसेस। कि IVF बेबीज में जो पैदा हुए बच्चों के अंदर कोई डिफेक्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसके बारे में बोला जाएगा। IVF उन कपल के लिए किया जाता है जिनको प्रेगनेंसी गेन करने में चैलेंज होता है। डेफिनेटली जब कोई चीज़ आउटसाइड द नेचर की जाती है, थोड़ा बहुत उसमें चांसेस ऑफ चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन हम लोग बहुत स्ट्रिंजेंटली उनको स्क्रीन करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑल्सो अर्ली एंटीनेटल स्कैंस में उनके हम लोग बाकायदा प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के स्क्रीनिंग किया जाता है। और जैसे एक आजकल आप देख रहे होंगे, नेचुरल कंसेप्शन वाले पेशेंट्स में भी चांसेस ऑफ मेलफॉर्म बेबीज आर हायर बिकॉज ऑफ आर ऑल्टर्ड लाइफस्टाइल। हमारा खान पान, रहन सहन सब थोड़ा सा उतना प्योरिफाइड नहीं रह गया है। उसी तरह से IVF बेबीज़ में एडिशनल रिस्क अभी कुछ ऐसा नहीं होता है, दे आर एज सेफ एज गुड एज अ नेचुरल कंसेप्शन। दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या माँ के ऊपर इसका कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट है? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, आजकल हमारा IVF प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रीमलाइन हो गया है, बहुत रिफाइंड हो गया है। बहुत मिनिमल इंजेक्शन और स्टिमुलेशन के द्वारा हम लोग मदर्स को स्टिमुलेट करते हैं, और इसके द्वारा कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट की कोई स्टडी नहीं है। पहले लोगों को भ्रम होता था कि इसके कारण से कोई कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, अभी हमारी रिसर्च में प्रूवन हो चुका है कि बिकॉज ऑफ दिस मेडिकेशंस कोई इसमें आगे जाके फ्यूचर में कैंसर का कोई चांसेस नहीं है। अब सब जानकारी के बाद ये बात आती है, क्या यह बहुत कॉस्टली प्रक्रिया है? आमतौर पे देखा था जब IVF शुरू हुआ था तब उसका खर्चा तकरीबन 2 से 3 लाख के आसपास जाता था, पर आजकल हम लोग अपने पेशेंट्स के लिए 1 से 1.5 लाख के ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट सिचुएशन, उनको ओवेरियन रिजर्वॉयर कितना है, उनको कितना स्टिमुलेशन जाएगा, उनको मेडिकल सिचुएशन कैसी है, कौन कौन सी दवाएँ उनको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, इसका ऑलमोस्ट खर्चा 1 से 1.5 लाख के आसपास जाता है, इंक्लूडिंग ऑल द स्टिमुलेशन मेडिकेशंस। आई होप IVF के रिगार्डिंग आपके काफ़ी सारे भ्रांतियाँ और क्वेश्चंस कवर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में जानकारी लेना है तो नीचे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उसके अपना क्वेरी पुटअप कर सकते हैं। अब यकीन कीजिए, ये ऐसी प्रक्रिया जो कि चाइल्डलेस कपल के लिए एक अवतार की तरह आई है, जाने कितने फैमिलीज़ में, कितने घरों में IVF की प्रक्रिया के द्वारा से किलकारी की तरह खुशियाँ गूंजी हैं। और हम लोग पिछले 20 साल से ये ट्रीटमेंट करके अपने अपनी फैमिली को ही बढ़ा रहे हैं। हमने कितने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है जो आज एज ए फैमिली हमारे साथ में एसोसिएटेड है। आपको भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ अपने किसी रिलेटिव से या आसपास के किसी लोगों से सुनने के बजाय किसी गायनोकोलॉजिस्ट या किसी एक्सपर्ट के पास में जाके अपना एक एडवाइस लीजिए। फिर भी आपको कुछ लगता है कि आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे लिखे लिंक के द्वारा।